महिला एवं बाल विकास, खेल और युवा कल्याण विभाग ने 15 वर्ष से ऊपर की बालिकाओं को आत्मरक्षा के लिए मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण दिया। महिला दिवस पर प्रशिक्षण प्रारंभ किया गया, जिसका समापन आज प्रभारी तहसीलदार राकेश बर्डे, जनपद सीओ महेश पाटीदार, परियोजना अधिकारी सुनील मोरे व बीईओ मोहन वर्मा के आतिथ्य में किया गया। छात्राओं को प्रशिक्षण ब्लॉक समन्वयक स्वाति शर्मा द्वारा दिया गया। अतिथियों द्वारा छात्राओं को मार्शल आर्ट के प्रमाण पत्र भी अतिथियों द्वारा वितरित किए गए। सेगांव से संजय जायसवाल की रिपोर्ट। कुछ बच्चियां क्या है कि मुठिया यूं बना रखी थी, अंगूठा अंदर डाल रखे थे, ऐसे नहीं बनाना। अंगूठा बनाने का आपको भी सिखाया हो, अंगूठा बाहर होना चाहिए। इसमें क्या अपना अंगूठा टूटने का वो रहता है, मैं देख रहा था। अंगूठा यूं होना चाहिए एकदम मजबूती के साथ। कुछ बालिकाएं थोड़ा सा वो डर रही थी और नर्वस, ऐसा नहीं रहना। अपन ये सीख रही है आत्मरक्षा की गुण है ना, और इसका उपयोग कहाँ कहाँ करना है आप सब लोगों को पता है। जैसे कोई आप लोग को आपस में मत लड़ने लग जाना है ना, सीखने को ले कर सकते हो। हाँ, लड़ने के लिए हमें कोई परेशान कर रहा है, कहीं हम अकेले हैं, तो वहाँ पे इन सब चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं। आत्मरक्षा की गुण है ना, और इसका उपयोग करना है, ऐसा नहीं कि आप भूल जाओगे। प्रैक्टिस करते रहना इन सब चीज़ों की, आपके साथ में और आपके साथ सहेलियाँ होगी और उनको आप लोग सिखाएं और इसको। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।